डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल एन सी आर टी इंग्लिश एक्सरसाइज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें आज के वीडियो में हम आपकी क्लास एट की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दर्ल्ड संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार सबसे पहले हम पेज नंबर टेन पर जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसे क्वेश्चन आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है वट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप लेखक को कबाड़ की दुकान में क्या मिला आंसर द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन ए जंक शॉप लेखक को एक कबाड़ की दुकान में बिक्री के लिए एक रोल टॉप डेस्क मिला रोल टॉप डेस्क ऐसा डेस्क होता है जिसका ऊपर का हिस्सा गोल होता है सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर उसे एक गुप्त ड्रॉर में क्या मिला हैड पुट इट इन देयर आपके विचार में उसे वहां पर किसने रखा होगा आंसर है ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रॉर उसे एक गुप्त ड्रॉर में एक छोटा काले रंग का टीन का बॉक्स मिला विच हैड ए लेटर जिसमें एक पत्र था आई थिंक दैट कोनी हैड पुट इट इन देयर देयर मेरे विचार में कोनी जो कि जिम मैकफर्सन की पत्नी थी उसने वहाँ उसे रखा होगा इसके बाद फोर्टीन पेज पे कॉम्प्रिहेंशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटर्न द लेटर टू हुम एंड वैन यह पत्र किसने किसको और कब लिखा आंसर कैप्टन जिम मैकफर्सन हैड रिटर्न द लेटर टू हिज वाइफ कोनी ऑन ट्वेंटी सिक्स दिसंबर नाइनटीन फोर्टीन कैप्टन जिम मैकफर्सन ने यह पत्र अपनी पत्नी कोनी को छब्बीस दिसंबर उन्नीस सौ चौदह को लिखा नेक्स्ट है वाई वाज द लेटर रिटर्न वट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन यह पत्र क्यों लिखा गया था और उस दिन कौन सी अद्भुत घटना हुई थी हाँ सर जिम मैकफर्सन रोड द लेटर टू हिज़ वाइफ टू शेयर ए जॉयफुल इवेंट दैट हैपन ऑन द डे ऑफ क्रिसमस जिम मैकफर्सन ने यह पत्र अपनी पत्नी को क्रिसमस के दिन हुई एक मज़ेदार घटना को शेयर करने के लिए लिखा था द टू आर्मीज़ द ब्रिटिश एंड द जर्मन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर प्लेड ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर दो सेनाओं ब्रिटिश और जर्मन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी उन्होंने एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला और एक साथ मिलकर क्रिसमस मनाई थर्ड क्वेश्चन है वट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव दे वर नॉट शोल्जर्स हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन सेना सैनिक बनने से पहले क्या काम करते थे आंसर बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी आर्मी को ज्वाइन करने से पहले हैंस वॉज ए सेलो प्लेयर इन एन ऑर्केस्ट्रा हैंस एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था सेलो एक वायलिन की तरह वाद्य यंत्र होता है एंड जिम वॉज ए स्कूल टीचर और जिम एक स्कूल में अध्यापक था फोर्थ क्वेश्चन है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोर सेट क्या हैंस कभी डोर सेट गया था वाई डिड ही से ही न्यू इट उसने ऐसा क्यों कहा कि वह इसके बारे में जानता है आंसर है नो हैंज हैड नेवर बीन टू डोर सेट नहीं हैंज कभी भी डोर सेट नहीं गया था ही न्यू अबाउट डोर सेट बिकॉज ही हैड रेड अबाउट दिस इन ए बुक वह डोर सेट के बारे में जानता था क्योंकि उसने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था और किताब का नाम क्या था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड फिफ्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन लड़ाई से वापस आया था हाउ डू यू नो दिस तुम्हें यह बात कैसे पता आंसर नो जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वार नहीं जिम मैकफर्सन लड़ाई से कभी वापस नहीं आया बिकॉज मिसिज मैकफर्सन वॉज अलोन इन नर्सिंग होम क्योंकि मिसिज मैकफर्सन नर्सिंग होम में अकेली ही थी शी वॉज स्टिल वेटिंग फॉर हिम वह अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी इसके बाद पेज नंबर फिफ्टीन का कॉम्प्रेंशन चेक है फर्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिड पोर्ट लेखक ब्रिड पोर्ट क्यों गया था आंसर द ऑथर वेंट टू ब्रिड पोर्ट टू डिलीवर मिस्टर जिम्स लेटर टू हिज वाइफ लेखक मिस्टर जिम का पत्र उसकी पत्नी को देने के लिए ब्रिडपोर्ट गया था सेकेंड हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकफर्सन नाउ वेयर वाज शी अब मिसिज मैकफर्सन कितने साल की थी और वह कहाँ थी आंसर मिसिज मैकफर्सन वाज वन हंड्रेड वन हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड नाउ मिसिज मैकफर्सन अब एक सौ एक साल की थी शी वाज एट बर्लिंगटन इन ए नर्सिंग होम वह बर्लिंगटन में एक नर्सिंग होम में थी इसके बाद पेज नंबर सिक्सटीन का कॉम्प्रिहेंशन चेक है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वास कोनी के विचार में आने वाला व्यक्ति कौन था आंसर कोनी थॉट दैट हर विजिटर वाज हर आउन हस्बैंड जिम मैकफर्सन कोनी ने सोचा कि आने वाला व्यक्ति उसका अपना पति जिम मैकफर्सन है सेकेंड क्वेश्चन है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी किस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि आने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की आंसर द सेंटेंसिस वो सेंटेंस इस प्रकार है आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई फाउंड इट मैंने उसे बताया कि मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया और यह भी बताया कि मैंने इसे कैसे प्राप्त किया बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिस्निंग लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी इसके बाद पेज नंबर सिक्सटीन पर वर्किंग विद द टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड कैप्ड जिम्स लेटर आपके विचार में कॉनी ने जिम्स के पत्र को कितने समय से संभाला हुआ था गिव रीजन्स फॉर योर आंसर अपने उत्तर के लिए कारण बताओ आंसर कॉनी हैड द लेटर सिंस जनवरी ट्वेंटी फाइव नाइनटीन फिफ्टीन टिल द डेस्क वाज सोल्ड आफ्टर फायर कोनी ने जिम का पत्र जनवरी पच्चीस उन्नीस सौ पंद्रह से तब तक संभाल कर रखा था जब तक कि आग के कारण वह बिक नहीं गया वी नो दिस फ्रॉम द फैक्ट हमें यह इस फैक्ट से पता चलता है दैट की शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी यूज टू रीड द लेटर कि उसने लेखक को बताया कि वह किस प्रकार उसका पत्र रोज पढ़ती थी एवरी डे एंड गुड फील जिम्स प्रेजेंस अराउंड हर ऑलवेज और कैसे वह जिम की जिम को अपने आस पास हमेशा महसूस कर सकती थी सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वेन आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेस्क को बेच दिया गया एंड वेन और कब बेच दिया गया आंसर द डेस्क हैड बीन सोल्ड वेन कोनीज हाउस हैड बर्ट डेस्क को बेच दिया गया जब कोनी का घर जल गया इट वॉज सोल्ड इसको बेच दिया गया बिकॉज क्योंकि इट हैड बीन डैमेज बाय फायर एंड वाटर क्योंकि यह आग और पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था थर्ड क्वेश्चन वाई डू जिम एंड हैंज थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ़ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट जिम और हैंस को ऐसा क्यों लगता है कि खेल खेलों के माध्यम से आपस के झगड़ों को ख़त्म किया जा सकता है डू यू एग्री क्या आप सहमत हैं आंसर जिम एंड हैंज थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ़ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट जिम और हैंस सोचते हैं कि खेलों के माध्यम से आपसी झगड़ों को समाप्त किया जा सकता है आई कम्प्लीटली एग्री मैं पूर्णतया सहमत हूँ बिकॉज क्योंकि पीपल डू नॉट डाई इन गेम्स लोग खेल खेलने से मरते नहीं हैं चिल्ड्रन आर नॉट ऑर्फंड बच्चे अनाथ नहीं होते एंड वाइफ डू नॉट बिकम विडोज और पत्नियाँ विधवा नहीं होती फोर्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक द शोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आपके विचार में दोनों सेनाओं के सैनिक एक जैसे हैं या अलग अलग हैं फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर अपने उत्तर के समर्थन में पाठ में से सबूत ढूंढो इसका आंसर है द शोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज़ आर लाइक ईच अदर हैविंग मैनी सिमिलरिटीज़ दोनों तरफ के सैनिक एक जैसे लगते हैं क्योंकि उनमें बहुत सी समानताएं हैं दे आर ड्रेस्ड इन द सेम वे वे एक जैसे कपड़े पहनते हैं दे टॉक एंड एन्जॉय इन द सेम वे वे एक जैसे तरीके से बात करते हैं और मज़ा लेते हैं दे गेम टूगैदर टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड प्लेड ए फुटबॉल मैच वे एक साथ क्रिसमस मनाने के लिए आए और उन्होंने एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच खेला बोथ ऑफ दैम वॉन्ट टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट्रू गेम्स दोनों तरफ के सैनिक परस्पर झगड़ों को खेलों के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं इट शोज दैट दे आर लाइक ईच अदर इससे पता चलता है कि वे लगभग एक जैसे हैं फिफ्थ क्वेश्चन है मैंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन शोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स उन तरीकों का वर्णन करो जिनके कारण ब्रिटिश और जर्मन सैनिक मित्र बन गए एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस और क्रिसमस के अवसर पर उन्होंने उन्होंने अपने आप को एक जैसा पाया आंसर दे बिकेम फ्रेंड्स इन फॉलोइंग वेज वे नीचे लिखे तरीकों से मित्र बन गए फर्स्ट ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने एक साथ मिलकर क्रिसमस मनाई सेकेंड दे प्लेड फ्रेंडली फुटबॉल मैच उन्होंने परस्पर एक महत्वपूर्ण फुटबॉल मैच खेला दे एट ड्रैंक एंड लाफ टुगेदर उन्होंने एक साथ खाया पिया और हंसे फोर्थ दे सेंग होली रिलीजियस सॉन्ग्स उन्होंने मिलकर धार्मिक गीत गाए और फिफ्थ है बोथ द आर्मीज वांटेड टू रिजोल्व द कंफ्लिक्ट थ्रू गेम्स दोनों तरफ की सेनाएं परस्पर झगड़ों को खेलों के माध्यम से समाप्त करना चाहती थी सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट कोनी का क्रिसमस का उपहार क्या है वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यह उपहार उसके लिए संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार क्यों है आंसर कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक फ्रॉम द बार कोनी ने सोचा कि उसका पति जिम लड़ाई से वापस आ गया है शी मिस टुक द ऑथर फॉर हिम फॉर जिम उसने लेखक को जिम समझ लिया शी हैड बिन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम वह बहुत लंबे समय से, से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी सो द कमिंग फ्रॉम होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर इसलिए उसके लिए जिम का वापस आना क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार था सेवंथ क्वेश्चन है डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट क्या आपके विचार में इस कहानी का शीर्षक सही है कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स क्या आप दूसरे टाइटल्स के बारे में सोच सकते हैं आंसर येस आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ एब्सोल्यूटली सुटेबल फॉर इट हाँ मेरे विचार में इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल सही है अदर टाइटल्स कैन बी दूसरे शीर्षक हो सकते हैं वार एंड पीस युद्ध और शांति और द बेस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन या फिर सबसे अच्छा क्रिसमस का सेलिब्रेशन डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू